दस दिन से इसलिए बैठे अपना हक मांग रहे हैं। की औरतें बिल्कुल डटी रहेंगी और बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो मुसलमानों की पहचान की ही लड़ाई है ना। सबर का प्याला जब भर जाता है वो अच्छा लगने लगता है। बैठे 70 साल का साबूत मांग रही है तो हम कहाँ से बना पाएंगे। हम मजदूर आदमी और बना के मान लो ले आए हम उधार बाड़ी करके और वो कहे कि ये सही नहीं है फिर जाओ हम यही जिंदगी बिता देंगे और वो सही नहीं हो पाएगा। जामिया के बच्चों को स्टूडेंटों को मारपीट किया तो हमारे बहन भाई है हमारे भी बाल बच्चे है तो हम उसके लिए आए उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। जी रोज आते हैं। तो ये क्या करता है ठंड में, उसको ठंड नहीं लगती? अब क्या करें आना ही पड़ेगा ना, मुसलमान के होने के नाते हमको तो आना ही पड़ेगा इस टोल टैक्स में। तो मुसलमान औरतों को छूट तो नहीं है मगर इसमें तो निकलना ही पड़ेगा ना। मुसलमान औरतों को नहीं निकलेंगे तो जामिया में जो हाल हुआ है वो हर मुसलमान के साथ होगा। तो वो जिंदगी से बढ़ के अच्छी जिंदगी तो ये है कि भाई जंग से लड़ के ही मरे तो वो अच्छा है। मैं 10 दिन से आ रही हूँ, डेली आ रही हूँ यहाँ पे 10 दिन से। अभी तो कॉलेजेस बंद है तो इसीलिए अभी तो घर पर ही है, वैसे यहीं पर ही रहते हैं ज्यादा। सुबह के 7 बजे से आते हैं कि कोई टाइम का पता नहीं है, कितना टाइम पूरी पूरी रात भी समय बिताते हैं अपने। अब ठंड है ना, हमें कुछ नहीं लगती, हमें जो गर्मी है हमें। चोरी करने वाली सरकार शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी आज की तारीख में, जो और अपनी चोरी को, अपनी नाकामी को, अपने जो करप्शन के काफी मतलब बिग ब्रांड शोरूम सब है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जिसका मुझे लगता है कि फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा और ये लगभग अप्रॉक्स 10 दिन हो गया, ये 10 दिनों से बंद है। तो आप 10 दिन से मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, लॉस तो हो ही रहा है, यूज लॉस है। तो कहीं ना कहीं आप लगता है कि इस मोमेंट का एक फाइनल को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सॉल्यूशन इसलिए निकलना चाहिए कि सारे दुकानदार भी परेशान हैं, शोरूम वाले परेशान हैं, बट जो एजिटेशन हो रहा है, जिस कॉज के लिए लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, ये जो कॉज है ये भी एक रियल कॉज है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव में बड़े पूंजीपतियों से पैसा लिया और उस पैसे को देने का वादा किया। डर नहीं लग रहा आप लोग? डर नहीं लग रहा है, हम डर खत्म कर दिए हैं, इसलिए कि कल भी मरना है और हम आज ही मर जाएं, हम आज ही मार दे हमको आके। अगर मार भी डर होती ना तो लोगों के हाथ में लाठियां होती। मार भी डर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, खाली पास है। जब तक हमारा वो आवाज़ को मतलब नहीं वो सुनेंगे पीएम जी, तब तक तो हम ये प्रदर्शन ऐसे जारी रखेंगे। कुछ नहीं करना,